डियर स्टूडेंट्स, 10 नए टॉपिक्स आपको दिए जा चुके हैं। आज बचे हुए टाइम में ये 10 टॉपिक्स होगा कि नहीं, चूंकि कई सारे लोगों ने तो हो सकता है कि रात में ही एक दो टॉपिक कंप्लीट कर लिया होगा। अब आज आपको इस मॉर्निंग के बाद पूरा दिन बचा है, इसमें 10 टॉपिक्स करने हैं। कल काफ़ी लोगों ने पूरा टॉपिक किया, लेकिन जिन लोगों ने नहीं इस टॉपिक्स को किया वो थोड़ा निराश होंगे, और इसीलिए इस एपिसोड को बनाने का उद्देश्य हमारा यही है कि दरअसल इन 10 टॉपिक्स को करना एक बहादुरी है। हम कहेंगे कि ये एक बहुत बड़ा कमाल है अगर आप 24 घंटे में इन 10, दरअसल अब तो 11 और 12 टॉपिक्स हो गए, तो इन्हें वही लोग कर पाएंगे जो फुल टाइमर हैं। काफ़ी लोगों ने कल इन 10 टॉपिक्स को नहीं किया होगा, 4-5 टॉपिक्स शायद छूट गए होंगे, और फिर ऐसे में निराशा घर कर जाती है, मन में ये आ जाता है कि हमारा नहीं होगा। ऐसा काफ़ी लोगों को लगा होगा, काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि इस बार अब हम नहीं दे पाएंगे, हमारा टॉपिक्स भी कवर नहीं होता, हम पढ़ नहीं पाते, टाइम नहीं मिलता है। हम कहेंगे कि अभी आप इस डिसीज़न पर नहीं आए कि इस बार अब हमारा नहीं होगा। अभी एक महीने आप अपने पूरे स्ट्रेंथ पे, जो भी आपका स्ट्रेंथ है उसके एकदम ऑप्टिमम लेवल पे आप पूरा टाइम दें। देखिए, हार मान लेना तो बहुत आसान है, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर भी परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो और तब भी आपको लगे कि इस बार भी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ये हमेशा होता रहेगा। टुमारो नेवर कम्स। कल के बारे में ये सोचना कि कल करेंगे, अगली बार निकाल लेंगे, ये बहुत कमज़ोर लोगों का, बहुत जो हार मान लेने वाले हैं बहुत जल्दी, उनकी ये निशानी है। तो हम ये कहेंगे कि आपके टॉपिक्स अगर अभी नहीं कवर हो पा रहे हैं, हम जान रहे हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है इन सारे टॉपिक्स को कर लेना, तो डेफिनेटली बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स होंगे और वर्किंग क्लास ग्रुप्स होंगे जो नहीं कर पा रहे होंगे इन टॉपिक्स को। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान लें और डिसाइड कर लें कि इस बार नहीं करना है, ये बहुत बड़ी भूल होगी अगर आप ये सोच लेंगे कि इस बार हम नहीं करेंगे। इस बार जैसी वैकेंसी भी बार बार नहीं आएगी, अभी आप हार नहीं माने। हम कहेंगे एक महीने आप अभी जूझें, आप फाइट करें जो भी जितना भी सामर्थ्य आपका है उसके साथ। जिन्होंने कल ये 10-11 टॉपिक्स किए होंगे उन्होंने बहुत आसानी से नहीं किए होंगे, उन्होंने भी काफ़ी हिम्मत दिखाया होगा, तो डेफिनेटली आपको भी इसी तरह से एक महीने भी पूरे सामर्थ्य पे आप लगाएं, जितने भी टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं आप इसे करें। आज के 10 टॉपिक्स जो हैं उसमें देखिए, आपको मौर्यन एम्पायर से एक क्वेश्चन डेफिनेट है, तो क्या आप ये चाहेंगे कि एग्ज़ाम में जब आप बैठे हैं तो इस टॉपिक को नहीं कर पाने के कारण इसके प्रश्न आप छोड़ दें? एक क्वेश्चन। अब देखिए, बाकी बचे हुए 11 टॉपिक्स में से एक दो और क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसका मतलब है कि 1-3 क्वेश्चंस तक आज के इस 10 टॉपिक्स में से बन जाते हैं। तो आप इतनी आसानी से इसे सकम्प ना करें, हार ना माने, फाइटिंग स्पिरिट को जगा कर रखें, इन्हें करना है आपको। देखिए, उसके बाद दूसरा जो मॉडर्न इंडिया का हमने टॉपिक दिया है आपको, भारत में शिक्षा का विकास, क्राउन में पहला लाइन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट था। कितना बड़ा क्वेश्चन है, भारत में जो मॉडर्न इंडिया है उसमें जो आधुनिक शिक्षा है, जो हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन है, तो फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया कहलाता है चार्ल्स ग्रांट। उसके बाद वुड डिस्पैच अगला ही पॉइंट देखे दिया हुआ है, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है। मैग्ना कार्टा मतलब युगांतकारी घटना। तो वुड डिस्पैच 1854 का चार्ल्स वुड ने तैयार किया था, एक रिकमेंडेशन था, कमिटी थी। तो ये सब है। महात्मा गांधी ने वर्धा प्रस्ताव दिया 1937 में, वर्धा योजना जिसे कहते हैं, जिसमें 7-14 साल के लड़कों के लिए एक तो बेसिक एजुकेशन और फ्री एजुकेशन की बात की। तो ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन्हें करना चाहिए, ये सब समझ में आने वाले हैं। तो ये टॉपिक्स आप आसानी से करके समझ सकते हैं। इसमें पूरे 10 में से 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जो दरअसल बहुत टफ हैं और आपको दिक्कत आएगा। एक इकोनॉमी में इंडस्ट्री है, ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, और दूसरा बिहार में न्यायपालिका है। अगर आपके पास बिहार का स्पेशलाइज्ड बुक है तब तो आप पढ़ लेंगे, इसमें समझने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जिनके पास किताब ही नहीं है, बुक्स ही नहीं है, तो फिर वहाँ दिक्कतें आती हैं। तो ये 2 टॉपिक दरअसल हम कहेंगे कि टफ है, आपको दिक्कत आ सकती है, बाकी जो सारे टॉपिक्स हैं वो इतने टफ नहीं हैं। आप देखिए, मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी में आप पढ़ें, ये बहुत आपको मज़ा आएगा,
बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जड़, तना और पत्तियाँ कैसे विकसित होती हैं, कहाँ से बीजों से इनका रूपांतरण कैसे होता है, कौन सा प्लांट है जो इंसेक्टिवोरस है, कीटों को खा जाता है, मार देता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आप इसमें पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप टॉपिक्स को करें। देखिए, पीरियोडिक टेबल एक टफ पड़ेगा आपको, फिर हालांकि इसमें बहुत डेप्थ नहीं है। इसमें एटम्स का साइज क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, विद्युत ऋणात्मकता और विद्युत जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, ये सब आप पढ़ेंगे। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जबकि क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी सबसे ज़्यादा विद्युत जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है क्लोरीन में है। ये सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, तो आप पढ़ेंगे, इसका डेफिनेट आपको फायदा मिलेगा। तो आप सकम्ब नहीं करें, अभी हार नहीं मान लेना है। बहुत अच्छा इस बार का ये स्टॉपर का लाइन था कि डोंट क्विट, डू इट। कितना अच्छा लाइन है, आप छोड़े नहीं बल्कि इसे करें। तो ये करना है हमें, अभी हार नहीं मानना है। 1 month जो पूरा है इसमें अभी जान लगा के देखना है। ये 10 topics में से आप 7-8 topic भी कर लें, उसके बाद देखें अगर आपको स्ट्रेंथ लगता है। सेट्स बनाने के बाद आपको अंदाज लग जाएगा कि आप किस लेवल पे हैं, तब डिसाइड करेंगे कि अभी बहुत कुछ पढ़ना था या पढ़ना है, नहीं हो पा रहा है, टाइम ही नहीं बचा, तब डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी आप हार नहीं माने, एकदम बिल्कुल मेरा खुला चैलेंज है आपको कि अभी हार नहीं मानना है। कभी कभी अंतिम समय के प्रयास जो होते हैं वो बड़े जो मारक हो जाते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो काम कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप ये जान लें इस बार तो 90-92 इस तरह के स्कोर्स पे जनरल कैटेगरी में संभव है कि रिजल्ट हो जाए। तो और अगर आप कैटेगरीज में आ जाते हैं तो और भी नीचे जाएगा, लेडीज़ में और नीचे जाएगा स्कोर, 80 में हो जाएगा, 75 में हो जाएगा काफ़ी लोगों का। तो इस तरह से संभावनाएं बनी हुई हैं। तो आपको सकम नहीं करना है, आपको आज दिए गए 10 topics में से अगर आपके पास टाइम का क्रंच है तो आप टफ टॉपिक्स में थोड़ा सा बाईपास कर लें, लेकिन बाकी टॉपिक्स को करें। हम बार बार क्राउन कहते हैं, कोई उधार हमारा नहीं है उनका, और लेकिन छोटे से शॉर्ट में कॉन्साइज वे में इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो आप अगर बहुत कुछ नहीं पढ़ पाते हैं तो इससे आप पढ़ लें, काम चलेगा। इस बीच आपके लिए हम यही बार बार कहेंगे कि हार नहीं मानना है। 10 topics आज के दिए गए हैं, आप इसे करने का प्रयास करें जितना संभव हो सके। फिर आज हो सकता है लेट, संभवतः 10-11 बजे रात तक आज आपका लिटमस टेस्ट का प्रैक्टिस सेट आएगा। ये जो 46 नंबर जो एपिसोड है उससे रिलेटेड होगा। 46 नंबर एपिसोड में जो टॉपिक्स दिए गए थे उस पर बेस्ड होगा ये लिटमस टेस्ट का 30 questions का से जो टेस्ट होगा। तो आप ये ध्यान रखें, अगर समय है तो रिवाइज भी कर लें। तो ये 46 नंबर एपिसोड पर बेस्ड लिटमस टेस्ट, रात तक एक टेस्ट सीरीज भी हम लोग आयोजित करेंगे और देखेंगे कितना स्कोर होता है। टिल देन टेक केयर, हार नहीं मानना है, डोंट क्विट, डू इट।